हेलो, मैं टैंक हमारे पास आज आया है जो रॉडी कंसल्टेंट्स हमारे जो हमारे साथ स्मार्ट सिटी में एसोसिएटेड है, उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। और मैं समझता हूँ जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स थी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा इनकी इस कॉन्ट्रीब्यूशन से। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारे साथ है, एडमिनिस्ट्रेटर हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के गुजरिया साहब और उनकी पूरी टीम, और हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द इसको काम में लाने की। कितनी कैपेसिटी, लेकिन 22 का जो ये एडिशनल कैपेसिटी का प्लांट हमारे पास जो LMO टैंक हमारे पास रहा है, तो ऑलमोस्ट डबल हमारी LMO की कैपेसिटी हो जाती है। और जो हमारा एग्जिस्टिंग टैंक है उसको एक बैकअप फैसिलिटी से प्रोवाइड होगी। और जो हमारे नए वार्ड्स हैं तकरीबन 200, उनको हम क्रिटिकल जो ऑक्सीजन सपोर्ट है वो इस टैंक के जरिए और इसके जरिए जो ऑक्सीजन पाइपलाइन का नेटवर्क एस्टैब्लिश होगा उसे इंश्योर करना है। तो कंटिन्यू कितने टाइम में चलेगी जी? कंटिन्यू इसका टाइम लगेगा कि एक टाइम पे कितने टाइम यूज़ हो गई इसकी ऑक्सीजन? उस टाइमिंग क्या यूसेज होगा वो डिपेंड करता है बेड ऑक्यूपेंसी पे। सबसे पहले तो उम्मीद करेंगे कि उस तरीके की कोविड वेव का सामना हमें ना ही करना पड़े जैसा हमें पिछले दिनों में करना पड़ा। बट खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आई एम श्योर इस तरीके की जो फैसिलिटी है हमें सफाइस करेगी हमारी डिपार्टमेंट। सर, आपको लगता है जिस तरह से थर्ड वेव आने वाले तो उसको रोकने के लिए पूरे इंतजाम करेंगे? थर्ड वेव के लिए एक तैयारी तो सरकार की तरफ से रहती ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करना, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ लोगों की भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर, कि किसी भी तरह की वेव से बचने के लिए जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना बहुत जरूरी है। और वैक्सीनेशन भी उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसके अंदर भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश चल रही है उसको स्पीड अप करने की। हेलो, मैं टैंक हमारे पास आज आया है जो रॉडी कंसल्टेंट्स हमारे जो हमारे साथ स्मार्ट सिटी में एसोसिएटेड है, उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। और मैं समझता हूँ जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स थी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा इनकी इस कंट्रीब्यूशन से। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारे साथ है, एडमिनिस्ट्रेटर हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के गुजरिया साहब और उनकी पूरी टीम, और हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द इसको काम में लाने की। कितनी कैपेसिटी, लेकिन 22 का जो ये एडिशनल कैपेसिटी का प्लांट हमारे पास जो LMO टैंक हमारे पास रहा है, तो ऑलमोस्ट डबल हमारी LMO की कैपेसिटी हो जाती है। और जो हमारा एग्जिस्टिंग टैंक है उसको एक बैकअप फैसिलिटी से प्रोवाइड होगी। और जो हमारे नए वार्ड्स हैं तकरीबन 200, उनको हम क्रिटिकल जो ऑक्सीजन सपोर्ट है वो इस टैंक के जरिए और इसके जरिए जो ऑक्सीजन पाइपलाइन का नेटवर्क एस्टैब्लिश होगा उसे इंश्योर करना है। तो कंटिन्यू कितने टाइम में चलेगी जी? कंटिन्यू इसका टाइम लगेगा कि एक टाइम पे कितने टाइम यूज हो गई इसकी ऑक्सीजन? टाइमिंग क्या यूसेज होगा वो डिपेंड करता है बेड ऑक्यूपेंसी पे। सबसे पहले तो उम्मीद करेंगे कि उस तरीके की कोविड वेव का सामना हमें ना ही करना पड़े जैसा हमें पिछले दिनों में करना पड़ा। बट खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आई एम श्योर इस तरीके की जो फैसिलिटी है हमें सफाइस करेगी हमारी डिपार्टमेंट। सर, आपको लगता है जिस तरह से थर्ड वेव आने वाले तो उसको रोकने के लिए पूरे इंतजाम करेंगे? थर्ड वेव के लिए एक तैयारी तो सरकार की तरफ से रहती ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करना, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ लोगों की भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर, कि किसी भी तरह की वेव से बचने के लिए जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना बहुत जरूरी है। और वैक्सीनेशन भी उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसके अंदर भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश चल रही है उसको स्पीड अप करने की।